सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है गोल्डन रिट्रीवर प्राइस डिफरेंस के बारे में। कुछ दिन आगे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था गोल्डन रिट्रीवर प्राइस इन इंडिया के बारे में। तो उस वीडियो को सभी लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से व्यूअर्स ने देखा है, लाइक किया है, पसंद किया है। तो कुछ जो फ्रेंड है मेरे, जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मुझे फॉलो करते हैं, तो उसने उस वीडियो में कमेंट किया है कि मेरे यहाँ पर लोकलिटी में मैंने एक पपी लाया है या मैंने अपने एक ब्रीडर से बात किया है, उन्होंने बोला 40,000 35,000 जो कि बहुत कॉस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्रीड स्टैंडर्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डॉग को जज कर पाओगे कि ये जो डॉग का क्वालिटी है वो क्वालिटी का कितना प्राइस आपको देना चाहिए। यदि आपका जो डॉग ओनर है या डॉग ब्रीडर है वो आपसे ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, तो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉग का कितना प्राइस होना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मिनिमम 35 से लेकर 40 डिफरेंट डॉग ब्रीड के पपी गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ मैंने आपको दिखाए हैं। तो वीडियो को बहुत केयरफुली देखें और समझें कि कौन सा डॉग का क्वालिटी कितना प्राइस आपको देना चाहिए, कौन सा कलर का डिमांड ज़्यादा होता है। दो प्रकार के गोल्डन रिट्रीवर पपीज़ जो कि नियर बाई हम लोग के मिलते हैं, एक होता है अमेरिकन, एक होता है यूरोपियन। यूरोपियन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ में बड़े होते हैं और मेनली वो वाइट कलर में पाए जाते हैं फ्रेंड। और जो अमेरिकन होता है वो साइज़ में कॉम्पैक्ट होता है, मेनली शो में पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ जाता है और उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के डार्क शेड में, लाइट शेड में पाए जाते हैं फ्रेंड। तो वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकॉन को अपीयर कर दे कि ऑल करके कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से फ्रेंड। अभी जो पपी आप स्क्रीन में देख रहे हो फ्रेंड, ये पपीज़ का प्राइस काफ़ी लो है। स्टार्टिंग बेस प्राइस का आपका गोल्डन रिट्रीवर का पपीज़ है, आप क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी लो क्वालिटी में है। ये जो पपीज़ का प्राइस है वो है आपका 10,000 से लेके 12,000 के आसपास आपको ये पपीज़ इस क्वालिटी में, इस ब्रीडिंग स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप इसका जो फर का क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत कम है, इसका जो कोट है बहुत डेंसिटी इसका कोट का बहुत कम है। तो ये पपीज़ आपको 10 से 12,000 के इस तक आपको मिल जाएंगे। यदि आपको कोई भी ब्रीडर या कोई भी डॉग पर्सन जो डॉग आपको सेल कर रहा है इससे ज़्यादा आपको डिमांड करता है तो आप ये पपी ना लो, कुछ पैसा लगा के उससे अच्छा क्वालिटी में आप पपीज़ ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये पपीज़ आप जो देख रहे हो 10 से 12, ये अब जो नेक्स्ट पपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है 13,000 to 14,000 के आसपास का पपी। इसका जो कोट का साइज आप देखोगे वो आगे वाले पपी से थोड़ा सा बड़ा है, साइज़ में आप देखो कोट का जो साइज़, क्योंकि इन ये गोल्डन रिट्रीवर का जो खूबसूरती होता है फ्रेंड वो उसके कोट के तरह से खूबसूरती होता है। जितना बड़ा बाल होगा उतना खूबसूरत, उतना अच्छा लगेगा। यदि आप छोटे बाल वाले डॉग लोगे तो वो तो लैब्राडोर जैसा दिखने वाला है। जो ये पपी आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये 16,000 में आपको इस क्वालिटी का पपी मिल जाएगा फ्रेंड। यदि आप ये देखोगे इसका जो कलर है वो क्रीमिश कलर में है, वाइटिश में है, तो इसमें यही क्वालिटी, यही डिफरेंस में आप लोगे, यदि आप डार्क कलर में लोगे तो वो पपीज़ का प्राइस 18,000 तक आसपास पहुंच जाएगा फ्रेंड। तो ये जो पपी आप देख रहे हो क्वालिटी, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, ये आपको 20,000 में आपको मिलेगा फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वालिटी में है, बहुत अच्छा। यदि आप कोई भी पपी लेना चाहते हो, इस रेंज के पपी लोगे तो इन फ्यूचर ये पपीज़ काफ़ी अच्छा क्वालिटी में बनने वाला है, बहुत अच्छा दिखेगा, एक अच्छा गोल्डन रिट्रीवर बनने वाला है। यदि आप इससे कम में पपी लोगे क्वालिटी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उतना अच्छा इन फ्यूचर नहीं बनने वाला, ऐसा लगेगा कि ये गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर का मिक्स पपी है, क्योंकि उनका जो फर का क्वालिटी रहेगा, उनके जो कोट रहेंगे वो काफ़ी छोटे होंगे। आप जितना भी इसको सप्लीमेंट खिला दो, जितना भी आप अथी कर दो, तो ये 20,000 से प्लस का बच्चा आपको ये मिल जाएगा। आप क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी शानदार क्वालिटी में है, अच्छा डाइट आप कोई भी स्टार्टर दोगे या घर का खाना आप दे रहे हो तो अच्छे क्वालिटी में दोगे तो ये पपीज़ काफ़ी शानदार बनने वाले हैं। अब दिखने में बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। तो इनका क्यूट होने का रीज़न ये है कि इनके जो फादर मदर है बहुत शानदार क्वालिटी में है, बहुत अच्छे हैं। ये जो पपी आप देख रहे हो आपके स्क्रीन में,
वो पपी है 22,000 का पपीज़ है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे क्वालिटी में है। आप इनका फेस स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनका हेवी बोन देख सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे एक सब फ्रेंड में या जो डॉग ओनर है या जो डॉग लेना चाहते हैं उनके में एक चला हुआ है हेवी बोन पपीज़। तो ये हेवी बोन पपीज़ आप देख सकते हो, ऐसा बट कुछ होता नहीं है, हेवी बोन या आप पंच फेस ऐसा टाइप का कुछ डॉग नहीं होता है, क्योंकि यदि मदर फादर अच्छे होंगे, अच्छे ब्लड लाइन से होंगे, तो ओरिजिनली पपीज़ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ये जो पपीज़ आप देख रहे हो ये सब 22,000 के आसपास के पपीज़ है। कोट साइज़ आप देख सकते हो, पपीज़ कुछ ऐसा बड़ा होके बनने वाला है। आप साइज़ देख सकते हो, काफ़ी हेवी बोन टाइप्स के पपीज़ आपको जो नॉर्मली दिख रहे हैं फ्रेंड। और यदि आपको नेक्स्ट पपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है 24,000 के आसपास का पपीज़। ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, बहुत अच्छे शानदार क्वालिटी में आप देख सकते हो, बहुत अच्छे हेवी बोन के हैं। इनका जो फादर है वो KCI रजिस्टर्ड है, बट मदर KCI रजिस्टर्ड नहीं है, बट मदर काफ़ी अच्छे ब्लड लाइन से है। पपीज़ का आप क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी शानदार, काफ़ी हेवी बोन। अब ये पपी जो है ये 42-43 डेज के आसपास के पपीज़ हैं, तो ये क्वालिटी देख सकते हो, एटलीस्ट 3 किलो के ऊपर का पपीज़ है, बहुत शानदार। अभी जो ये फीडिंग कर रहा है वो है स्टार्टर मदर एंड पप, जो कि है रॉयल कैनल का पपी। आप वीडियो में देख सकते हो काफ़ी शानदार, 3 किलो के ऊपर का पपी लग रहा है। मेल लो या फीमेल लो, आपको 24,000-25,000 में ऐसा क्वालिटी का पपी आपको मिल जाएगा। यदि आप KCI रजिस्टर लेना चाहते हो तो KCI रजिस्टर भी इस रेंज में आपको मिल जाने वाले हैं। 2022 से आपको KCI रजिस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ये पपी आप देख सकते हो, ये क्रीम कलर में है, ऑफ वाइट कलर भी आप बोल सकते हो। आप जो ये नेक्स्ट पपी मैं दिखाने वाला हूँ ये फुल KCI रजिस्टर पपी है। इसके जो मदर और फादर दोनों KCI रजिस्टर है, ऑफ वाइट में है, बहुत शानदार, बहुत हेवी बोन, बहुत अच्छे बच्चे बनने वाले इन फ्यूचर यदि आप 100 क्वालिटी में ले जाओगे। अब ये पपी देखो, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा और हेवी बोन बच्चा है, जो कि आपको 28,000 में विथ KCI रजिस्टर माइक्रोचिप के साथ आपको ये पपी मिल जाएगा। ये पपी काफ़ी छोटा है, ये पपी आप देखो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छे। इसके जो मदर फादर है वो चैम्पियन डॉग है, मदर KCI रजिस्टर है, विदाउट चैम्पियन है, इसके वजह से इनका जो प्राइस है वो 28,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। यदि आप ये लोकल पेट शॉप में जा रहे हो तो आपको इस टाइप के कुछ बच्चे मिल रहे हैं। यदि कोई भी पर्सन डिमांड कर रहा है आपसे 35,000 या 34,000, तो आप पपी ना लो, क्योंकि ये पपी का जो रेंज है वो 28,000 के आसपास है। बट इसमें भी वेरी करता है फ्रेंड, यदि आपका जो डॉग है वो मदर फादर दोनों चैम्पियन लाइन से है या ग्रैंड फादर मदर चैम्पियन लाइन से है, तो ये पपी 28 से होकर 35 तक चला जा सकता है। यदि उनका चैम्पियन कोई भी चैम्पियन ना है, कोई भी फादर मदर चैम्पियन नहीं है, तो ये पप्पी 28-26,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप समझ पाओ कि गोल्डन रिट्रीवर का पपीज़ आप लेना चाहते हो तो कौन से क्वालिटी में कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा कि आपका चीटिंग ना हो, कोई आपके साथ चीटिंग ना कर पाए। तो इस रेंज में जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ इसमें 19-20 हो सकता है, बट 16-20 नहीं होने वाला फ्रेंड। 19-20 मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उसमें 1-2 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, वो कोई मैटर की बात नहीं है। बट यदि बहुत 4-5 हज़ार का हेर फेर हो तो आप ये पपीज इस टाइप के पपीज़ आप ना लो फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो पपीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये भी 28 से 30,000 के आसपास का पपीज़ है, ठीक है। ये KCI रजिस्टर के साथ है पपीज़ का, बोन देख सकते हो, बोन स्ट्रक्चर देख सकते हो, 40,000 के आसपास के पपीज़ है, काफ़ी शानदार, काफ़ी हेवी बोन, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में है फ्रेंड, और बहुत शानदार पपीज़ है। अभी पपीज़ को क्वालिटी देख सकते हो, ये पपी आप घर पे लेके आओगे, आप इसको अच्छा डाइट, अच्छा सप्लीमेंट, क्योंकि ये कोट वाला या लॉन्ग हेयर वाला डॉग है, तो इसको आपको एक्स्ट्रा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ आपको देना पड़ेगा। तो ये सप्लीमेंट आप दोगे, इसका कोट जो कलर है, साइन है, और भी ज़बरदस्त होने वाला, और भी अच्छा साइन करने वाला है, और बहुत अच्छे पपी इन फ्यूचर आपको बनने वाले हैं। यदि आप कोई डॉग शो के लिए रेडी करना चाहते हो अपने डॉग को, तो एक अच्छे ट्रस्टेबल ब्रीडर से ले, उनका ब्लड लाइन अच्छा हो, अच्छे एक ब्लड लाइन को कैरी करके वो कंटिन्यू ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे डॉग से, रिप्यूटेड डॉग से लोगे।
तो उनका जो प्राइस होगा वो 40-50,000 के आसपास से स्टार्टिंग होता है फ्रेंड, ठीक है। ये पपी देख सकते हो तो काफ़ी हेवी बोन है, ये पपीज़ का एज काफ़ी कम है, 35 डेज़ का पपीज़ है, तो काफ़ी हेवी बोन है, तो आप इसे क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो फ्रेंड। जैसे कि आप कलर देख रहे हो फ्रेंड, मदर का जो कलर है वैसे ही पिगमेंटेशन बच्चे लोग में भी आएगा, तो ये कलर का काफ़ी डिमांड है, ये डार्क कलर में है, बहुत डिमांडफुल कलर है फ्रेंड, तो ये कलर का बहुत डिमांड होता है। ये जो पपीज़ आप देख रहे हो ये भी डार्क कलर में है, ऐसा पपीज अब लोगे तो आप यदि सेम क्वालिटी का लाइट कलर का पपी लोगे तो उसका 2-3 हज़ार रुपये डिफरेंस पड़ेगा, और डार्क कलर में आप लोगे तो वो 2-3 हज़ार रुपया आपको प्लस प्राइस पड़ेगा, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा क्वालिटी आपको पसंद है। जैसे मेरी बात की जाए तो मेरे तो डार्क कलर का बहुत पसंद है, बहुत पसंद करता हूँ। ये पपी आप देखोगे फ्रेंड 35,000 रुपये दाम है इसका, जो कि काफ़ी शानदार क्वालिटी में है, काफ़ी अच्छे प्लस हेवी बोन स्ट्रक्चर है, और इनका जो पपीज़ का मदर फादर है दोनों चैम्पियन है, ठीक है, इंडियन चैम्पियन है, ठीक है, अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो पपीज़ का प्राइस आप देख सकते हो 35,000 रुपये इनका जो है मेल का प्राइस है, और फीमेल का भी सेम प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है, विथ पेपर आपको मिलेगा। आप जब पपीज़ बाय कर लोगे तो आपको पूरा पेमेंट दे के उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा केसीआर रजिस्ट्री के लिए, तो 2-3 वीक में जितना टाइम लगता है उसमें आपका पेपर्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा आपके नाम पे। तो यदि पपीज़ ले रहे हो तो इतने प्राइस में आपको मिल सकता है इसका। आप ये जो पपी आप देख रहे हो ये 100 क्वालिटी का पपी है फ्रेंड, ये मिनिमम आपका 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास का पपी है, ये 4-5 मंथ का पपीज़ है, काफ़ी शानदार, ये पंजाब के पपीज़ है, मेरे पास फ़ोटोज़ थे तो मैंने सोचा आपको लगा के अब समझा दूँ अपलोड करके कि कैसे पपीज़ 100 क्वालिटी के होते हैं। तो इस 100 क्वालिटी के पपीज़ है, काफ़ी शानदार, काफ़ी इस टाइप के पपीज़ अब लोगे तो इन फ्यूचर जाके बहुत अच्छे 100 क्वालिटी में आपका नाम रोशन करने के लिए ये पपीज़ आप रेडी कर सकते हो फ्रेंड। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना चाहिए, तो आप जल्द से जल्द मेरे पेट्स प्लाजा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड पेट्स प्लाजा के नाम से।